हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने चेहरे पर अगर झुर्रियों से परेशान हैं तो झुर्रियों से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने चेहरे पर आँखों के नीचे कालेपन से बहुत ज़्यादा परेशानी है या कालापन बढ़ता जा रहा है, चेहरा आपका बिल्कुल क्लियर होने के बावजूद भी आँखों के नीचे कालापन बहुत ज़्यादा है, तो ये उससे भी निजात दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस नुस्खे को या इस रेमेडी को जो तैयार करने के लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन ई कैप्सूल्स। ये दो तरह के विटामिन ई कैप्सूल्स आते हैं, एक आता है एवियोन 600 और एक आता है एवियोन 400। तो मेनली जो यूज़ होता है वो एवियन 400 जो है स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे चेहरे पर जमी हुई किसी भी तरह की डर्ट को काटने में या जम्स को मारने में, बैक्टीरियाज को ख़त्म करने में, एक्जिमा को रोकने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप अपनी ड्राई स्किन से परेशान हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन औषधि है, एक बेहतरीन दवा है अपने चेहरे के जो नमी है उसको बैलेंस करने के लिए। ये ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म करता है। और अगर एक्सिस ऑयल आपके चेहरे पर जमा हुआ है या एक्सिस ऑयल आपको दिखाई देता है अपने चेहरे पर, तो ये उससे भी आपको निजात दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ई कैप्सूल्स की हेल्प से हम कैसे अपने चेहरे की झुर्रियां ख़त्म कर सकते हैं और आँखों के नीचे कालेपन को कैसे दूर कर सकते हैं, इन दोनों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अपने चेहरे की झुर्रियों से परेशान हैं तो आप विटामिन ई कैप्सूल्स का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो विटामिन ई कैप्सूल्स को आप निकाल लें, तो किसी भी ब्लेड की हेल्प से या कैंची की हेल्प से आप इसको काट लें या निडल की हेल्प से आप इसको काट कर इसके अंदर का मौजूद ये लिक्विड आप इस तरीके से एक कंटेनर में कर लें। ठीक है दोस्तों, ये दो विटामिन ई कैप्सूल्स हमने यूज़ करने हैं। फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो इस विटामिन ई लिक्विड को डायरेक्टली अपने अफेक्टेड एरियाज़ पर, जहां पर आप रिंकल से, झुर्रियों से परेशान हैं, उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। या आप चाहें तो जो भी आप लोशन यूज़ करते हों, नाइट लोशन अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसके साथ में मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। विद इन अ फ्यू डेज़ आप अपने चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पाओगे और आपकी जो झुर्रियाँ हैं या जो रिंकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसी लिक्विड को हम कैसे अपने आँखों के नीचे के जो कालेपन है उसको दूर करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें 2-3 बूंद ये कोकोनट ऑयल मिला लें। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को आप अपनी आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर अच्छे से मसाज करें, और मसाज करने के बाद रात भर इसको ऐसे ही रहने दें और अगले दिन सुबह लुकवॉर्म वाटर से आप अपने चेहरे को वॉश कर लें। आप चाहे झुर्रियों के लिए अप्लाई कर रहे हों विटामिन ई ऑयल को, चाहे आप आँखों के नीचे कालेपन को दूर करने के लिए यूज़ कर रहे हों, आपको इसे रात को सोने से पहले यूज़ करना है और सुबह उठकर लुकवॉर्म वाटर से इसको वॉश कर लेना है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई के अंदर दोस्तों हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी तरह के प्रॉपर्टीज़, गुण होते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट में आपने देखा होगा उनमें विटामिन ई कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो आप डायरेक्टली विटामिन ई को अपने चेहरे पर विदाउट हेजिटेट यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं है, और आप जिस भी पर्पज़ से इसको यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने चेहरे पर पिंपल्स निकलने से परेशान हैं तो पिंपल्स पर भी आप विटामिन ई कैप्सूल्स को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ही आप उस अपने पिंपल्स के ऊपर इसको लगाकर ऐसे ही छोड़ दें, और पिंपल्स निकलने के बाद जो काले निशान रह जाते हैं, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं या डार्क स्पॉट बन जाते हैं, उन पर भी आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो कुछ ही दिनों में वो चेहरे का कालापन या काला दाग जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आँखों के नीचे कालेपन को दोस्तों दूर करने के लिए या तो आप इस लिक्विड को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप
दो पोटैटोज़ के स्लाइस इस तरीके से काट लें और इन स्लाइस को अपनी आंखों पर रख कर लगभग 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश करें। डेफिनेटली ये भी एक बेस्ट और नेचुरल वे है अपने आंखों के नीचे के कालेपन को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। विदाउट हेजिटेट इसका यूज़ करें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहे एवियन 600 यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो 400 यूज़ कर सकते हैं। 400 करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्किन के लिए स्पेशली इसी को यूज़ किया जाता है डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी नए नुस्खे के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल देसी नुस्खे, और कमेंट के जरिए आप इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।